नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रजत तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th एंड क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम की जो डेट चेंज हो गई है, यानी टाइम टेबल जो चेंज हो गया है, उसकी बात करने वाले हैं कि ऐसे कौन कौन से सब्जेक्ट है ऐसे हैं जिनकी डेट चेंज हो गई है और डेट चेंज क्यों हुई है। क्लास 10th के सब्जेक्ट की भी डेट चेंज हुई है और क्लास 12th के कुछ सब्जेक्ट की भी डेट चेंज हुई है, तो कौन कौन से वो सब्जेक्ट हैं और क्या क्या डेट है ये मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम क्लास 10th की, कि क्लास 10th के कौन से सब्जेक्ट की डेट चेंज हुई और पहले उसकी डेट क्या थी। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम साइंस सब्जेक्ट की। क्लास 10th का जो साइंस सब्जेक्ट है वो पहले होने वाला था 15 मई को, लेकिन अब वो उसकी जो डेट है वो होगी 21 मई, यानी करीबन आपके 6 डेज बढ़ गए हैं। तो जो बच्चों ने अच्छे से तैयारी नहीं की थी वो बच्चे भी अब इस सब्जेक्ट की तैयारी और अच्छे से कर पाएंगे। अब बात करते हैं हम मैथ सब्जेक्ट की। तो पहले जो मैथ सब्जेक्ट है क्लास 10th का वो 21 मई को होने वाला था। पहले क्लास 10th का जो मैथ है वो 21 मई को था, लेकिन अब उसकी डेट चेंज होकर 2 जून को हो गई है। यानी यहां पर भी करीबन आपको 10 दिन का एक्स्ट्रा टाइम मिल गया है, जिसमें आप अपने सब्जेक्ट की तैयारी और अच्छे से कर पाएंगे और आप अपना रिजल्ट भी इसके थ्रू सुधार पाएंगे। तो ये तो रहा 10th क्लास की बात। अब हम बात करते हैं क्लास 12th की। तो क्लास 12th में 4 सब्जेक्ट ऐसे, अभी मैं आपको ध्यान रखिए मेन सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, 4 ऐसे मेन सब्जेक्ट हैं जिनकी डेट चेंज हुई है, यानी जिनका टाइम टेबल चेंज हो गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिक्स के पेपर की। फिजिक्स जो है वो पहले 13 मई को होने वाला था, लेकिन अब वो पेपर होगा 8 जून को। बहुत लंबा आपको टाइम मिल गया है, आप बहुत अच्छे से उसकी तैयारी कर पाएंगे, क्योंकि फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे बच्चे बहुत डरते हैं। तो फिजिक्स वाले स्टूडेंट के लिए ये जो बढ़ा हुआ टाइम बहुत फायदेमंद होगा और वो अपने पेपर को और अच्छे से कर पाएंगे। बात करते हैं हम हिंदी सब्जेक्ट की। हिंदी का जो पेपर है वो पहले होने वाला था 31 मई को, पहले होने वाला था हिंदी का पेपर 31 मई को, लेकिन अब वो पेपर होगा 1 जून को। तो इसमें केवल एक ही दिन का अंतर आया, ज्यादा अंतर नहीं आया। अब हम बात करते हैं मैथमेटिक की, जो कि साइंस सब्जेक्ट का सबसे टफ पेपर होता है मैथमेटिक का। तो मैथमेटिक के पेपर में जरूर बच्चे थोड़े से निराश होंगे, क्योंकि पहले जो मैथ का पेपर था वो था 1 जून को, लेकिन अब होगा वो 31 मई को। इसका मतलब यह कि एक दिन और कम हो गया है। तो मैथ के जो स्टूडेंट है वो थोड़ा जरूर निराश होंगे, लेकिन क्योंकि मैथ के स्टूडेंट इंटेलिजेंट होते हैं और बहुत साल भर में मैथ को पढ़ते हैं, तो उनके लिए कोई एक दिन कम होना कोई बड़ी बात नहीं है। तो मेरी ये सलाह है कि आप जिस तरह से अभी पढ़ रहे हैं उसी तरह से पढ़ते जाएं और अपना पेपर अच्छे से करें। अब बात करते हैं हम ज्योग्राफी पेपर की। पहले जो ज्योग्राफी का पेपर है वो 2 जून को होने वाला था, पहले ज्योग्राफी का पेपर 2 जून को होने वाला था, लेकिन अब ज्योग्राफी का जो पेपर है वो 3 जून को होगा, यानी उनको एक दिन का एक्स्ट्रा टाइम जरूर मिला है। तो ये थे कुछ चेंज, वैसे और भी कुछ चेंज है, लेकिन जो मेन सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ मैं, मेन सब्जेक्ट यही है और इसी में इतना चेंज है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल ज्योतिष मंत्र को सब्सक्राइब कीजिए। आज के बस इतना ही, मिलते हैं नए विषय के साथ। तब तक आप ही खुश और मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।